P.Nagabusham में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मेंबर है सर, मेल मेंबर है। अब लीगल सर्विसेज के बारे में बोलने को कुछ भी नहीं है, एक ही है। आप जो कुछ प्रॉब्लम आए तो लीगल सर्विसेज का आके आप बोल सकते हैं, लिखे दिए तो एक अप्लीकेशन लिखे दिए तो आप जो कुछ होना बोले तो वैसा करा के दे सकते हैं। वो पहले लीगल सर्विस को आने को एक अप्लीकेशन दे दो, तब बाकी का पूरा काम उन्हें लेके देखे, उन्हों कुछ देख लेते। तब वकील होना बोलते फ्री में देते, और केस जाना बोले तो वो भी फ्री में कर देते, और केस पूरा खत्म होने तक एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, केस होने के बाद में देने की जरूरत नहीं है। वही से मेन मेरा नाम P.Nagabusham है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मेंबर है सर, मेल मेंबर है। एक लीगल सर अथॉरिटी का ऑफिस डाल सकते डाल सकते हैं मेरे साहब, डालने को उद्दीन ऐसा रहता बाद में कोई भी नहीं रहे। नहीं, जैसा कि मिसाल के तौर पर मेरा होम प्रॉपर्टी है, मैं आपसे कहना मेरा एक संस्था है, राइट टू एजुकेशन चलाता हूँ, उसके साथ में तुम्हारा लीगल अथॉरिटी के साथ बिल्कुल उसके साथ लीगल अथॉरिटी आप वो रूम रूम रख के तो वही रहेगा अथॉरिटी बोल के रहेगा अगर दूसरा हमारा यूनियन का नहीं, मैंने को शायद मेरे को उसका नहीं मालूम, मैंने को इसका देखे वो मेंटेन करने को भी कैसे देखे। तो हमारे पास ऑफिस है, मैं सलम एरिया में एक ऑफिस डाल के चार पाँच ऑफिस खोल तो है ना, तो हम मेरा भाजीमा नगर सलम से है कोटापल्ली, आप रिप्रेजेंटेशन ले सर मेरा, वो एक प्रॉपर्टी है सर, कुछ इसके रेस्पेक्ट है अपन फ्री पे देते हैं, अब ऑफिस का फर्नीचर भी है, कोई भी आके बैठ सकते हैं। आप बोल दो साहब एक हफ्ते के एक आदमी को भिजाओ, ठीक है तो उधर ही रिलीज होता, उधर नहीं होता तो एक क्या अप्लीकेशन देखा कि इधर से भिजा देते हो। अच्छी बात, पंद्रह दिन में एक बार रखना, पंद्रह दिन में या संडे को संडे ज्यादा रही तो पंद्रह हफ्ते के एक बार बोले तो ना, पंद्रह दिन के एक बार आते। अच्छी वही क्यों बोल रहा हूँ, आने को भाई क्या है थोड़े लोग उनके बोल रहे हैं लोग तो ऐसे कुछ भी पैसा नहीं बोलते बोले थे, इसका उसे क्या है ना इसमें इधर आए तो पैसा नहीं मिलते बोलते भाव में, इसमें कुछ अपोज कर देता है कभी नहीं ये कोर्ट है बोलकर भी थोड़ा लोगों को नहीं मालूम नहीं
ज्यादा करना पड़ता मगर क्या है वो मुश्किल है इधर से सारे अपन में नहीं है आप लोगों को भी कराए तो क्या जो होता है भुक्का है जो कुछ आप उर्दू पे है हिंदी पे है तेलुगु पे है इंग्लिश पे है जो कुछ कर रहे थे वो लेके जाके उधर बात सकते नहीं मालूम होते चलो पढ़ के बोल सकते नहीं मालूम बोलते कोई भी नहीं है अभी 99% नहीं तो उनका बच्चा जाना रहता ना बाजू आजू बाजू उनको मालूम होता नहीं है बोलते कुछ भी नहीं बोला पैम्पलेट है बोला बोल दे एकदम लेके जाके बात बात लो तो हम